हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आशा करती हूँ। और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 30 और मैं 30 का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के 5 बज रहे हैं इवनिंग से, और मैंने सुबह से ग्रीन साड़ी पहनी थी लेकिन व्लॉग नहीं शूट किया। एक दो रील्स वगैरह बनाई है, मैं इस पर दिखा दूँगी कि मैं कैसी लग रही थी। और मैंने पहनी, ये देखो, ग्रीन चूड़ियाँ, ये देखो। और अब मैंने चेंज कर लिया है, सुबह से बच्चे की क्लास हो रही थी ना, फिर मैंने तब से पहन रखी थी। और ये ग्रीन लेगी है, और अभी ग्रीन चुन्नी डालूंगी। वैसे भी सावन में रेड या ग्रीन पहन लेते हैं। और देखो, बिंदी, प्रॉपर मंगलसूत्र, लिपस्टिक, और आज मैंने सिंदूर भी ना भर के लगाया था, वैसे मैं लगाती नहीं हूँ। और आज हम बनाएंगे कचौड़ी, तो चलो पहले बना लेते हैं शाम की चाय, उसके बाद शेयर करती हूँ आपसे कि हम क्या कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं नीचे, अभी मुझे कमरे की सफाई भी करनी है। चलो चलते हैं नीचे। ले ले आई हो पटना से सूट सलवार से। इस गाने पे मैंने बहुत रील बनाई है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये गाना। पटना से सूट सलवार। वैसे तो तुम रोज साड़ी पहनती हो, हैं? मुझे पता नहीं थी कि आप ब्लॉग में लोग हो, मुझे इसलिए मैं साड़ी नहीं पहनी। नहीं, वैसे आज 30 है इसलिए कह रही हूँ, मैं ब्लॉग की बात नहीं है, आज क्यों नहीं पहनी? अब पहन लूंगी। पहन लूंगी। क्या बन रहा है आज? कुछ स्पेशल बन रहा है? आज कचौड़ी बन रही है। हम भी कचौड़ी बनाएंगे भाई। मैं वही तो कह रही हूँ, रोज साड़ी पहनती है, आज पहना नहीं है। रोज तो साड़ी पहनती हूँ। हम खींच देते हैं। अच्छा तुम पहनो, फोटो खींच के लगाएंगे। चलो पहनो। हाँ बस मैं चाय बना के आलू बदल रख के आ रही हूँ। ये देखो बच्चा पार्टी। डैडी नहीं, मैं नहीं पीगा। हंसने की कोई बात है? हैप्पी टीज बोल जल्दी। इधर आ। हैप्पी टीज। हैप्पी टीज। हैप्पी टीज। हैप्पी टीज। हैप्पी टीज। बुला रही हूँ। क्या बनेगा आज? क्या कचौड़ी? हंस रही है। उस दिन भी तुमने ये वाली साड़ी पहन रखी थी। नहीं अब तुमने अभी कल परसों जब उस दिन रख दिया, पहन लेती बहुत, उसमें कोई वो भारी है? कभी कभी तैयार होना अच्छा लगता है, कभी कभी होता है कि मेकअप भी करो और फिर ये ना थोड़ा सा लूज है मेरी, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लूज है ये मेरी, लेकिन मुझे ना कंफर्टेबल लगता है, इसलिए सब कुर्तों में मैं सिलाई नहीं करवाई, मतलब इसमें नहीं करवाई, बाकी सब में करवाई है। क्योंकि एक मुझे ना एक साथ लूज सिंपल टाइप का चाहिए था जो मुझे घर में कम्फर्टेबल हो, ठीक है? वैसे तो ऐसा ही है लेकिन मे बी शायद ऐसा भी अच्छा लगता है। कौन कौन ऐसा है जो अभी भी गर्म पानी पीता है? गर्म पानी पीऊंगी मैं। तो गाइज मैं आलू उबलने रख देती हूँ, और
आज हम बनाएंगे कचौड़ी। और मैं जब से आई हूँ ना तब से यहाँ तीज वाले दिन कचौड़ी ही बनती है, और ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, कुछ और भी बनाना चाहते हो तो वो भी बन सकता है, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप क्या खाना चाहते हो। लेकिन शुरू से मैंने यही देखा है कि, और मैंने बनाती भी आ रही हूँ तीज पे कचौड़ी, और हमारे सारे घर में मतलब पहले इसको क्या हुआ है, क्या कर रही हो, ससुराल में कम बनाती हो या भी बना रही हो? कोई नहीं, आदत पड़ गई है। आदत पड़ी हुई है, याद आ गई ससुराल। भाई देखो ये अपने पियर आके भी चाय बना रही है। चलो हम बनाएंगे कचौड़ी, कचौड़ी बनाएंगे यहाँ पर। गर्मी लग रही है मेरे बस में, ऑयल बना मैं तो मेरे को तो बोलिए कचौड़ी इतनी इजी लग रही है ना, मैं कचौड़ी इजी लग रही है कचौड़ी बनाती। ये देखो है क्या, कितना सारा खाना खाया है। मैं सोच रही कि आटा गूंथ के भी रख देती हूँ, और आलू इधर उबल रहे हैं और आटा गूंद रहा है, फिर मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। और ऊपर जो दीदी मैं बोल रही थी ना कि आज अपनी साड़ी नहीं पहनी, तो उन्होंने पहन ली, उनकी फ़ोटो वगैरह खींचूँगी, उनके साथ थोड़ी बहुत वीडियो बनाएंगे, फिर इसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइस मैंने आटा वगैरह गूंद दिया है, और यहाँ पर मेरे आलू भी उबल गए हैं, अब मैं अपनी पीऊँगी चाय। इतनी सारी चाय इसलिए क्योंकि मैंने सुबह ना मेरी चाय थोड़ी ठंडी हो गई थी, तो मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी ज़्यादा सी चाय पीऊँगी और चलते हैं ऊपर, दीदी का फोटो शूट करते हैं। ओके चलो। दीदी मतलब ये भी कोई कहने की बात होती है कि फोटो कौन खींचेगा? देखो इन्होंने सुबह से साड़ी नहीं पहनी और अब साड़ी पहनी, अब हीरोइन बनी है। देखो जब हमने सूट पहन लिया है, साड़ी पहनी, साड़ी पहनू, ऐसे खींचते हैं फोटो। चलो देखो, वैसे ये रोज साड़ी पहनती हैं, आज ही नहीं पहनी इन्होंने साड़ी, और पहन मुझे मालूम नहीं थी ना, क्यों तीस का नहीं पता तुम्हें, तीस है इसका पता था। चलो भाई बाद में मिलते हैं, इनका फोटो शूट कर लेते हैं भाई। तो ये है हमारा फोटो शूट, ये मैंने रूम में खींची थी, ये दीदी के साथ छत पर हो गई, और ये हो गई छत पे, इन दीदी की मैं फोटो शूट कर रही थी। तो दीदी की फ़ोटो खींचने के बाद मतलब शूट करने के बाद मैंने अपनी चाय पी ली, और मेरी चाय हो गई थी बिल्कुल ठंडी, जैसे कि मैंने अभी आपको किचन में बताया कि मैं इतनी सारी चाय इसलिए पी रही हूँ कि मेरी सुबह चाय ठंडी हो गई थी, और मेरी अभी भी चाय ठंडी हो गई थी, क्योंकि वो बोल रही थी कि मैंने ग्रीन साड़ी इसलिए नहीं पहनी कि मेरी फ़ोटो कौन खींचता, क्योंकि उनकी बेटी जो है वो जॉब करती है तो वो हॉस्टल रहती है, तो उन्हें लगा कि मेरी फ़ोटो कौन खींचेगा, तो मैंने बोला मैं खींच दूँगी तुम्हारी फ़ोटो, तुम ग्रीन साड़ी पहन लो। तो उन्होंने बस सिर्फ फ़ोटो के लिए ही मतलब पहन ली, क्योंकि शाम का टाइम हो गया, और वैसे भी हम लोग शाम के टाइम चेंज कर लेते हैं, सब लोग गाउन वगैरह ये सब डाल लेते हैं, लेकिन मैंने ये कुर्ता इसलिए डाला है क्योंकि मैंने इसकी फ़िटिंग नहीं करवाई बिल्कुल भी, ये ढीला ढाला है तो मुझे कम्फर्टेबल लगता है ये, मतलब अगर जल्दी से झटपट अगर मैंने कोई साड़ी पहनी तो मेरे को जो सबसे पहला ऑप्शन जो लगता है ना वो सिर्फ ये कुर्ते का लगता है, क्योंकि ये बहुत लूज़ है, और मुझे ना घर में रह के ना थोड़ा कंफर्टेबल से कपड़े पसंद हैं, एकदम फिटिंग वाले मुझे पसंद नहीं है, मतलब जब रिलैक्स रहना चाहती हूँ मैं तो। तो आलू मेरे उबल गए हैं, मैं नीचे जाती हूँ आलू देख लेती हूँ, और अभी बनाऊँगी नहीं क्योंकि अभी टाइम है, अभी कोई नहीं खा रहा, आटा गूंद गया है, आलू उबल गए हैं, उसके बाद हम बनाते हैं। और वैसे भी करेले दाल ये रखी हुई है, तो सिर्फ कचौड़ी ही बनाएंगे हम, तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में।
सही है सब कुछ, ये डाल लो इसमें, सही है ये। मम्मी की कचौड़ी दूर दूर तक फेमस है, है सच में है, दूर दूर तक फेमस है। बहुत अच्छी कचौड़ी बनाती है, मतलब ज्यादा भर के बनाती है हमसे ना, थोड़ा थोड़ा भरा जाता है, हमसे ज्यादा नहीं भरा जाता, हमारी फट जाती है, इसलिए बना रही है। एक हाथ मुझे दे दियो क्या, मैं अकेले के मारे नहीं बनाऊंगी। बन गई गर्मा गर्म कचौड़ी, और अब हम कचौड़ी के मजे लेंगे फुल ऑन। और ये बदतमीज बच्चा है ना, ये बस यही खाता था, बाहर का कबाड़ा, घर का खाना नहीं खाता ये बिल्कुल। तो गाइस कचौड़ी वचौड़ी खा ली है हमने, और ज्यादा हैवी हो गया है क्योंकि दो की जगह चार कचौड़ियां मैंने खा ली है। और इस तीज ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे, अब मैं थोड़ा सा वॉक करूंगी। और मैं ना एसी का रिमोट ढूंढ रही हूँ क्योंकि नक्श को लगा है इंजेक्शन, और नक्श को ना फीवर चढ़ गया है, 5 ईयर वाला इंजेक्शन लगा है और इसको फीवर चढ़ गया है। इसको मैंने दवाई वगैरह दे दी है, एक बार और दे देती हूँ इसको आधी दवाई ताकि इसको आराम पड़ जाए, सो जाए आराम से। तो ये गर्मी में सो नहीं पा रहा, इसलिए मैं सोच रही हूँ मिल गया रिमोट मिल गया, तो अब एसी ऑन कर देते हैं ताकि फिर ये ना आराम से अपना लेट जाएगा, क्योंकि इसे मे भी शायद गर्मी में भी इसे नींद ना आ रही हो ना, ये भी होता है, और दर्द भी हो रहा है इसके पैर में, तो उसके पैर दबाती हूँ। ठीक है, और इस व्लॉग का एंड करते हैं हम यहीं पे, बाय, गुड नाइट।